नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, ये दूसरा पार्ट है आपका। आपके जो प्रश्न थे 1 से 14 तक प्रश्न हो चुके थे, ये 15 नंबर प्रश्न है, जरा स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए और हाँ वीडियो रोक करके बनाइए। प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन है। यानी वो 400 रुपये तो लेता है, फिर ब्याज मिला करके उसको जो देता है वो मिश्र धन होगा। तो एक बात बताओ भाई, जो P बराबर आपका है वो 400 रुपये है, और जो R बराबर है वो 5% है, और जो N बराबर है वो 2 वर्ष है। और हाँ, जो ये PNR जो है वो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अपना लोअर वाला जो वीडियो है जरा वो देख लीजिए, तो ये PRN जो है समझ में आपके क्लियर आ जाएगा। तो भैया मिश्र धन निकालना है आपको, निकालना क्या बाबू है, ए निकालना है। तो भैया पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं तभी तो ए निकलेगा। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला था वो बाबू था क्या, जरा साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटा 100। ध्यान से देखिए, जहां पर पी है वहां पर आपको लिखना है 400 रुपये। क्या लिखना है, 400। जहां पर R है वहां पर क्या लिखना है, 5, और जहां पर N है वहां पर 2, और ये फार्मूले के 100 लिखना है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, बताओ भाई 5 चक्कू 20 और 20 दूना 40, तो उसका जो ब्याज बना वो 40 रुपये बना। जो 400 रुपया उधार दिया था वो तो लेगा ही, लेकिन ये 40 रुपये और लेगा। तो बताओ भाई, तो 400 में 40 बाबू जोड़ दीजिए तो 440 रुपये उसे जो है देना होगा मिश्र धन। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रहीम ने विनोद से 1100 रुपये साथ सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, 6 महीने के बाद विनोद को कुल कितनी रकम लौटाएगा। कहता है कुल कितनी रकम लौटाएगा, बताओ बाबू। P बराबर है 1100 रुपये, जो R बराबर है वो 7/2% वार्षिक है, और जो N है आपका वो 6 माह है, यानी 6 महीने। अब क्या करेंगे, इसे मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो 7 × 14 एक 15/2% हुई ये। अब भाई जो आपका N है वो है महीने में, और जो दर है आपकी वो है वर्ष में। तो क्या करेंगे, इसे 6 जो है यहाँ पर अगर 12 कर देते हैं तो 1 साल का हो जाता है। अब देखिए 6 × 6 और 6 × 12 यानी 1/2 वर्ष का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर पी गुणे आर गुणे एन बटा 100। ठीक है, पी कितनी है 1100 रुपये, और आर कितना है 15/2, और गुणे 1/2 क्या है एन है, और फार्मूले के बटे ये 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 15 × 15 और 15 × 15 और 1 16 और बटे 2 × 2 = 4। अब 4 चक्कू 16, ठीक है, फिर 4 × 4 पॉइंट लगा दिया है ना, कितना बचा, 1 बचा 10 हुए, तो 4 × 2 = 8 × 4 = 20, यानी 41 रुपये 25 पैसे उसका ब्याज बना। और हाँ, उसका जो लिया था वो 1100 रुपये 00 पैसे। अब इसमें 41 रुपये और 40 पैसे ऐड कर दीजिए, तो भैया 25 पैसे थे, तो भैया 25 पैसे ये हो गए। अब बताओ 1 ये और 4 ये और 11 ये, यानी 1141 रुपये 25 पैसे वो वापस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 2082 को 2100 रुपये उधार दिया, यदि ब्याज की दर 8% हो तो 23 मार्च 1983 को श्याम को कुल कितनी रकम लौटाएगा।
अब भैया बताओ जो P बराबर है वो 2100 रुपए है, और जो हाँ R बराबर इसकी है वो जानते हो कितनी है, 8%। अब भैया जो आपका समय का मामला है वो जरा ध्यान से देखिएगा, समय कहता है 22 अक्टूबर। अच्छा एक बात बताओ, अक्टूबर कितने दिन का होता है, अक्टूबर आपका कितने दिन का होगा भैया, अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है। जब 22 अक्टूबर को उसने दिया था तो कितने दिन बचे, तो भैया अक्टूबर के आपके बचे 9 दिन, ठीक है। अक्टूबर फिर आता है आपका नवंबर, नवंबर हुआ कितने दिन का, 30 दिन का। नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर, तो दिसंबर हुआ आपका 31 दिन का। अब बताओ जो जनवरी आएगी सन 2023 की, सॉरी जो 1983 की, वो आएगी आपकी जनवरी, वो हो जाएगी आपकी 31 दिन की। अब लफड़ा फंस गया आपका फरवरी का, फरवरी का मतलब है 1983। अगर यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो जानते हो 28 दिन की होगी फरवरी, अगर 29 दिन की अगर नहीं होती है तो भैया 29 दिन की होगी। जरा 4 से देखते हैं भाग करके, तो 4 चक्कू 16। हाँ और एक बात बताएं, 4 से वो संख्या करती हैं जो लास्ट में जो इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं वो संख्या 4 से कटेगी, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, तो फरवरी आपकी हो जाएगी 29 दिन की। कितने दिन की हो जाएगी, 29 दिन की, और फरवरी। अब कहता है मार्च, जो मार्च के माह थे वो 23 दिन हो गए, ठीक है, कितने दिन हो गए, 23 दिन। अब इनका जो योग आया वो 192 दिन आया, कितना आया, 192 दिन। अब बताओ साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, पी गुणे आर गुणे एन बटा 100। अब भैया 2100 और गुणे 8 और गुणे 152 दिन, अब इनको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग कर देंगे, ठीक है। और ये फार्मूले के जो आपके हैं ये हो गए आपके 100। अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब 21 दूना 42, ठीक है, और 21 पंचे 105 और 4 हासिल, तो हुआ 109 हासिल लगे 10। 21 से कम 21 और 10 हासिल, तो भैया कितने हो गए, 31 हो गए, 31 हो गए, 8 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और बटे ये 365, ठीक है, 365, 8 दूनी 16, 8 नवा 72, 1 73 और 8 एकन्ना 8, 8 7 15 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25 और बटे 365। अब 365 से भाग करना तो आपको आता ही होगा, जब भाग करेंगे जानते हो तो 69 रुपये और भैया 69 रुपये 96 पैसे जो है उसका ब्याज बनेगा, क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। और हाँ वो उसने लिया था जानते हो 2100 रुपये, तो भैया 69 रुपये 96 पैसे इसमें जोड़ दोगे तो 2169 रुपये 96 पैसे उसको लौटाने होंगे भैया, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, रणधीर वर्मा ने 12% वार्षिक ब्याज की वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1500 रुपये 2 वर्ष 73 दिन बाद लौटा दिए, उसने अपने मित्र को कितना धन लौटाया। भैया 2 वर्ष 73 दिन बाद जो है वह धन लौटा देता है, और जानते हो जो प्रतिशत था दर का वो 12% था, और जो उसने मूलधन था उसका वो भैया 1500 रुपये था। अब बताओ P बराबर जो है वो 1500 रुपये है, R बराबर 12% वार्षिक है, और जो N है वो है 2 वर्ष और 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन। अब ये बात करो, 73 जो दिन हैं अब ये वर्ष हैं, इनको एक फॉर्म में ले आओ, तो दिन में ले आते हैं। अब देखिए एक वर्ष 365 दिन का होता है, ठीक है, एक वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है, तो 2 वर्ष कितने दिन के हो गए, 730 दिन का हो गया। अब उसमें से 73 दिन जोड़ दीजिए,
तो भैया 730 में ये 2 वर्ष के दिन हो गए, अब इसमें 73 दिन अगर आप जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 7 × 3 = 10 यानी 803 दिन हो गए। अब वापस करना है ना, तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। अब पी कितना है 1500, आर कितना है 12%, और जो आपका एन है वो 803 दिन है, और 365 से अगर हम भाग कर देते हैं तो भैया जानते हो वर्ष में बदल जाएगा। अब इसका भैया कैलकुलेशन आपको करना होगा। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 15 दूनी 30, ठीक है 15 दूनी 30, और अब देखिए 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 73 + 73 कितना बचा भैया, 7 बचा ना, तो फिर 73 हो गए, फिर 73 + 73। अब देखिए 12 × 3 = 36 और गुणे 11 × 11 = 66 और 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66 और 11 × 3 = 33 और 6 = 39, यानी उसको जानते हो 396 रुपये आया उसका ब्याज, कितना आया 396 रुपये ब्याज। अब 1500 रुपये उसने उधार लिया था, उसका ब्याज बना 396 रुपये, 396 रुपये योग कर दीजिए 5 × 3 = 8, 1896 रुपये उसे वापस करने होंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कितनी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज के निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने पर 575 रुपये देगी। अब के निकालना है पी, ब्याज दिया है, क्या दिया है ब्याज 575 रुपये, और जो एन दिया है वो भैया कितना दिया जानते हो, जो एन दिया आपका है वो दिया है 7 वर्ष 8 माह, 7 वर्ष और 8 माह, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब आपकी दी इसमें है क्या, दर दी है, तो दर दी है भैया 5%, यानी आर बराबर है 5%। सबसे पहले इसको सही करना होगा, देखिए 7 सही 8 / 12, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 7 = 21 और 2 = 23, 23/3 वर्ष हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक है। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है पी, तो भैया जो ब्याज बराबर होता है वो मूलधन बराबर, जो मूलधन बराबर होता है वो होता है ब्याज और गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय, ये फार्मूला होता है। तो ब्याज है 575 और गुणे भैया जो आपका 100 है ये 100 हो गया, और दर आपकी हो गई 5। अब देखिए 23 जो बटे इसके 3 है वो बटे की संख्या जानते हो, इधर क्या करेगी गुणा कर देगी। अब देखिए 23 × 2 = 46 कितना बचा 11, तो कितना हुआ 115 और 23 × 5 = 115, तो 25 × 3 और हाँ 5 × 25, 5 × 3 = 15 और 2 = 0, यानी 1500 रुपये उसका मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की दर यानी 10% दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपये हो जाता है, 3900 रुपये हो जाता है, आर दे रखा है, क्या दे रखा है आर कितना है इसका 10% और एन जो है वो 3 वर्ष है, और ए दे रखा है 3900 रुपये, 3900 रुपये, और पी भैया पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, 1 वर्ष में जो दर है वो 10% है, तो 3 वर्ष में दर कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में जो दर है वो हो जाएगी 30%, कितनी हो जाएगी 30%। और ये जानते हो जो ये वैल्यू दे रखी है वो भैया 100% और +30%, यानी
100% ये और 30% ये कितनी हो गई, 130% के बराबर इसकी वैल्यू है। अब बताओ जो 130% बना तो बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100, अब ये 3900 रुपये ये हो गया। तो भैया 3900 और गुणे 100 और बटे 130, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 × 39 और ये तीन ये वाले 1, 2, 3 0 ये, यानी मूलधन जो है वो 3000 रुपये बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11760 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम प्रश्न है उसी प्रकार है। तो जो आपका जो ए है वो 11760 रुपये है और जो आपकी आर है, जो भैया आपका आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा बाबू है, जरा देखिए, आर दे रखा है आपका कितने प्रतिशत है इसमें, आर देखिए जो आर है वो 12% है, समय 8 वर्ष है, 12% और जो एन है वो 8 वर्ष है। अच्छा एक बात बताओ भाई, एक वर्ष में अगर 12% है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 12 × 8 बराबर 96% हो गई। तो 96 ये और 100% अपने में हर चीज़ तो होती ही है, तो भैया 100 में क्या करेंगे, ये 96 जोड़ देंगे तो 196% हो गई। अब भैया 196% है तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लाएंगे, अब ये जो 11760 रुपए की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो 11760 और गुणे 100 और बटा 196। अब बताओ जो 14 की जो गुणा होती है वो कितनी होती है, 196, ठीक है, 196 और 14 × 8 = 112, ठीक है, 112 कितना बचा, 5 × 6 = 84, 14 × 56 = 84 और ये 0। तो भैया 60 × 1100 बराबर कितना हो जाएगा, 6000 रुपये इसका जो है मूलधन, जानते हो 6000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक धन 2180 रुपये यानी 2180 रुपये दी जाती है तो वह धन ज्ञात कीजिए। एक वर्ष में जो आर है आपका वो 9% है, एन जो है वो 1 वर्ष है, ठीक है, और जो आपका ए है वो 2180 रुपए है, ये बात कह रहा है। निकालना क्या है, पी, अच्छा ये पी निकालना है, पी क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ 1 × 9 × 1 यानी 9%, 100% तो होता ही है, तो 100 में आप 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 109% और बटे ये 100। बहुत से सोचते होंगे कि 100 कहाँ से आते हैं, भैया प्रतिशत का मतलब होता है 100, अगर प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो सन 2023 की लिस्ट बनी है लूसेंट के नाम से, जरा उसमें देखिए सब कुछ बताया गया होगा। तो बराबर 2180, ठीक है, तो 2180 × 100 और बटे 109, 9 × 2 = 18, 10 × 2 = 20 और 1 = 21, यानी 109 दूना जो हैं 218 होते हैं, तो 20 × 100 बराबर 2000 रुपये जो है भैया मूलधन 2000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कितना मूलधन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपये ब्याज होगा, ठीक है, आर दे रखा है 6% और एन दे रखा है 3 वर्ष, ठीक है, ब्याज दे रखा है आपका 90 रुपये। निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मूलधन। तो भैया मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय, यही तो फार्मूला होता है। तो 90 × 100 और बटे 6 × 3,
3 6 18 95। और भैया जानते हो ये 2 0 हमने लगा दिया, तो बताओ 500 रुपये हुआ नहीं हुआ। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा बताओ जरा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 6 रुपये प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में किस मूलधन का मिश्र धन 650 रुपये हो जाएगा। जो आर है आपकी वो 6% है, कितनी है 6%, और जो एन आपका है वो कितना है। एन जो आपका है वो भैया 5 वर्ष है, कितने वर्ष हैं 5 वर्ष है, और जो आपका ए है मिश्र धन वो 650 रुपये है, और पी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब बताओ एक वर्ष में अगर 6% दर हो सकती है तो 5 वर्ष में कितनी होगी, 6 × 5 = 30%, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें 100 जोड़ देते हैं, अब बताओ 130% हो गई। अब 130% होती है तो बटे में 100 लाते हैं और 650 लिखते हैं, तो 650 गुणे 100 और बटे ये 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 × 5 = 65 और 5 और ये 2 0, यानी जो मूलधन है वो 500 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कहता है कि कितने समय में 4,250 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,600 रुपये हो जाएगा। अब की बार पी दे रखा आपका है, कितना दे रखा है पी, 4,250 रुपये, ठीक है 4,250 रुपये, 4,250 रुपये जो आर है वो 8% है, और जो आपका जो ए दे रखा है ए कितना है जानते हो, ए कहता है भैया हमने 5,600 रुपये दिया, 5,610 रुपये, 5,610 रुपये, तो भैया और पूछ क्या रहा है, एन पूछ रहा है, एन यानी समय पूछ रहा आपकी बार है। तो भाई समय के लिए फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर, ये होता है। भैया ब्याज कहाँ से आएगा, ब्याज आपका आएगा ये मिश्र धन से, माइनस करेंगे मूलधन 4,250, तो 0, और हाँ 11 से जब 5 जाएंगे कितना बचेगा, 11 से 5 जाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 5 से 2 गए कितना बचेगा 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 1,360 रुपये जो है इसका ब्याज आया, कितना आया 1,360 रुपये इसका ब्याज आया। अब बताओ जो ब्याज आया तो भैया 1,360 और गुणे 100 और मूलधन कितना है 4,250 और गुणे 8, गुणे 8, 0 से 0 कैंसिल, 8 × 8, ठीक है 8 × 8, 8 × 7 = 56, 5 से काटिए 5 × 8 = 40, 5 × 25 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 17 × 5 = 85, 5 × 2 = 20, तो 4 वर्ष जो आया समय आपका आया 4 वर्ष, ठीक है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, कितने समय में 1,500 रुपये की एक राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 रुपये प्राप्त होगा, समय फिर पूछा है। तो पी आपका है 1,500 रुपये, कितना है 1,500 रुपये, और जो ब्याज आपकी दे रखा है, ब्याज कितना दे रखा है भैया, ब्याज दे रखा आपका है 240 रुपये, ठीक है 240 रुपये, और जो आर है आपकी वो 4% है, कितनी है 4% आर है। अब बताओ जो समय के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर, तो ब्याज है 240 और गुणे 100 और बटे 1,500 और बटे भैया 4, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 × 24, 4 × 0 = 0, 15 × 60, फिर आपका आंसर आया 4 वर्ष, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27 देखिए,
कितने वर्ष में 500 रुपये साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 600 रुपये कितना मूलधन है भैया, 500 रुपये, और जो ए है मिश्र धन वो 600 रुपये है, और जो आर है वो 5% है। तो पी बराबर 500 और ए बराबर 600 रुपये, और जो आर है वो 5% है, और एन पूछ रहा है। ठीक है, तो भैया जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। ठीक है, क्योंकि 600 से 500 जाएंगे कितना बचेगा, 100, और समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है ब्याज और गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। तो 100 गुणे 100 और बटे मूलधन है 500 और जो आर है वो 5, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 25 चक्कू 100। समय फिर आपका आ गया 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कितने समय में 550 का मिश्र धन 4% वार्षिक ब्याज की ब्याज द्वारा 55 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जो P है वो 50 रुपये है, और जो A है वो 55 रुपये है, और जो R है वो भैया जानते हो कितना है, आपका जो R है वो बाबू है 4%। कितना है, 4%। अब बताओ ब्याज बना, ब्याज कितना बना भैया, 5 रुपये, क्योंकि देखिए जो मिश्र धन है 50 रुपये है, और जो P है वो मिश्र धन है 55 रुपये और P है 50 रुपये। अब ब्याज बराबर क्या होता है, सॉरी जो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर। तो 5 गुणे 100 और बटे 50 गुणे 4, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 2 सही 1/2 वर्ष जो है वो समय आपका आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, कितने समय में 3,500 रुपये की साधारण ब्याज पर 420 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% हो। तो ब्याज दिया है आपका 420 रुपये, यह है क्या, ब्याज है आपका। ठीक है, और जो मूलधन दिया है वो 3,500 रुपये दिया है, आर दी आपकी है 4%। ठीक है, आर कितना है, 4% आपके जो है आर है। समय पूछता है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे दर। तो भैया 420 और गुणे 100 और बटे 350 गुणे 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 जीरो 0। ठीक है, अब देखिए 12 पंचे 60, 4 3 12 कितना आया, 3 वर्ष जो समय आया उसका 3 वर्ष आया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30 कहता है, यदि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये लेकर 2 वर्ष बाद 1,200 वापस किए तो उसके प्रतिशत वार्षिक ब्याज, यानी अब की बार दर पूछा है। जो पी है वो भैया 1,000 रुपये है, और ए जो है वो 1,200 रुपये है, और जो एन है वो 2 वर्ष है। आर आपका पूछ रहा है, यानी दर आपकी जो है क्वेश्चन मार्क है। अब बताओ भाई ब्याज कितना बना, 200 रुपये ब्याज बना ना। अब दर बराबर होता क्या है, फार्मूला ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय था, निकालना तो दर लिखते थे, और दर निकालना है तो क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। ठीक है, तो भैया 200 गुणे 100 और बटे जानते हो पी कितना है, 1,000 रुपये, और गुणे जो आपका दे रखा है समय, यानी 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, 2 1 2 और 2 जीरो 0, तो दर आपकी आई 10%। तो बाबू आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कमियाँ क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे। और भाई नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए पुराने दोनों से एक विनती है, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।